जय हिंद। तो आज फिर अपने पास आ गया जूता और आज फिर हम बात करेंगे पंजे पे रनिंग की, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एज़ यूज़ुअल पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जो भी डिटेल लेना चाहता है सामने नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप कर सकता है। जूता थोड़ा सा गंदा है, पिछली वीडियो में कमेंट किया था किसी ने, लेकिन हम सच बता रहे हैं, हमें इतने साफ़ सुथरी चीज़ें, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। अंडर गारमेंट जो होते हैं, जब बनियान और अंडरवियर जो भी पहनते हैं, वो सब साफ़ सुथरे होने चाहिए। जूते हमें थोड़े से मैसी अच्छे लगते हैं, थोड़े से गंदे हो, ऐसा नहीं कि मिट्टी लगी हो पूरे में, लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल साफ़ सुथरे ना हो कि अभी निकाल के लाए पहनने के लिए, वो नहीं चाहिए। और उसमें पता नहीं कोई फील नहीं आती, मेरा अलग ही साइकोलॉजिकल दिक्कत है लग रहा है। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पंजे पे रनिंग की। सबसे पहली बात समझ लो पंजा क्या होता है। पंजा यार ये होता है, ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको पंजा कहते हैं, ठीक है। ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको पंजा कहते हैं। और पंजे पे रनिंग इसलिए करनी होती है क्योंकि जितने भी तुम बड़े एथलीट देखोगे, जितने भी तुम रनर देखोगे, चाहे वो स्प्रिंट हो, मैराथन हो, कोई भी हो, वो कोशिश करते हैं अपनी कि इसी पे लैंड करके, इसी को टच करके, बॉडी जमीन से इसी पार्ट को टच करके वो आगे निकल जाएं। क्यों चाहते हैं वो? इसलिए क्योंकि जब इससे कांटेक्ट होता है, तुम्हारी जो भी जमीन है तुम्हारे ग्राउंड की, इससे कांटेक्ट होता है, तो ये जो टाइम होता है फ्रिक्शन का, वो बहुत कम होता है। मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी की स्टंपिंग की तरीके की, एक बार पैर लैंड किया और दूसरा स्टेप कब उठ गया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, इतने फ्लो में चीज़ें चलेंगी। इसीलिए समझाया जाता है कि कोशिश करो कि जो फ्रंट फुट है उससे तुम रनिंग करो, ठीक है, 4 फुट जिसको बोलते हैं। अब इसको रनिंग इस पर रनिंग करना आसान नहीं है क्योंकि तुम एक दिन 100 मीटर दौड़ के देखो, तुम्हारे पैरों में भयंकर दर्द हो जाएगा। तो अगर तुम्हें दौड़ना है तो सबसे पहले एंकल को मजबूत करो। एंकल क्या होता है? ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारा पैर है, ये है, और यहाँ से जो चीज़ें हैं, ठीक है। अब पंजा पूरा यहाँ हो गया, अब यहाँ से एक आई ये, तो इसके बीच का जो है ये चीज़, इस चीज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमने प्रॉपर वार्म अप बताया, वो देख लेना, हम डाल देंगे वीडियो। अगली बात तुम्हें क्या करनी है, अब जब तुमने ये कर ही लिया है तो सबसे पहले यहाँ से नहीं करने लगोगे दौड़। मतलब ऐसा नहीं कि पहला दिन है तुम्हारा, तुम पंजे पे दौड़ के रेस निकाल लोगे, नहीं होने वाला ऐसा। तो कुछ दिन के लिए ट्राई क्या करोगे, कुछ दिन के लिए ट्राई करोगे कि ये जो बीच वाला हिस्सा है कहीं ना कहीं तुम इस पर लैंड करो। रनिंग जब भी कर रहे हो तो इस बीच वाले हिस्से पे लैंड करो, और बीच वाले हिस्से पे लैंड करोगे तो ऑटोमेटिक इस पे आ जाओगे तुम। लेकिन बीच वाले हिस्से पे ही लैंड करने के पहले प्रैक्टिस डालना, ये वाला तो हिस्सा नहीं दौड़ना इसमें बिल्कुल भी। लेकिन जब ये बीच वाला हिस्सा, जब ये हिस्सा, इस पे रनिंग करते रहोगे तो एक टाइम के बाद प्रैक्टिस आ जाएगी कि तुम पंजे पे दौड़ने लगोगे, ठीक है। आखिरी बात हम समझाते हैं, अगर मान लो तुमने अभी भी रनिंग स्टार्ट करी है, तुम्हें रनिंग करनी नहीं आती है, जो भी चीज़ें हैं, तब तुम क्या करते हो, तुम इससे दौड़ते हो, ठीक है। तो तुम कोशिश ये करो कि जितने भी तुम्हारे मान लो 5 किलोमीटर की रनिंग है, 4 किलोमीटर तुम ऐसे दौड़ गए, आखिरी का 1 किलोमीटर पंजे पे दौड़ने की कोशिश करो। मेरे कहने का मतलब ये है, जूता अभी रख देते हैं, कि जब भी तुम्हें ये लगे कि तुम्हें पंजे पे दौड़ना चाहिए, तो जो भी तुम्हारी रेस है उसके आखिरी के जो भी 1-2 चक्कर हो वो पंजे पे दौड़ो। और ऐसे करते करते एक प्रैक्टिस बन जाएगी, और प्रैक्टिस इतनी खतरनाक हो जाएगी कि एक दिन तुम देखोगे कि तुम पंजे पे ही रनिंग स्टार्ट कर रहे हो और पंजे पे ही रनिंग एंड कर रहे हो, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और पंजे पे रनिंग करो, उसके बाद जो भी डाउट हो मैं उसको ऊपर बताओ, और उसके ऊपर हम प्रॉपर एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। राम राम, जय हिंद।